बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। वेलकम हो गया आपका मानो किचन में। आज हम बनाने लगे हैं मानो किचन में गुड़ के चावल। इसके लिए मैंने हाफ के जी लिए हैं चावल और ये मैंने बॉईल कर लिए हैं। बहुत अच्छे सेला चावल लिया है मैंने, देखें कितना बड़े बड़े चावल हो गए। और साथ में मैंने ये ड्राई फ्रूट लिया है, इसके अंदर मैंने लिए हैं 50 ग्राम बादाम लिए हैं, 50 ग्राम ही नारियल लिया है और 50 ग्राम ही किशमिश लिया। और इसको इसी तरह लंबे लंबा करके काटना है, इसको बारीक बुरादा नहीं लेना है इसका। और गुड़ लिया है हाफ के जी, लेकिन मैंने पूरा हाफ के जी नहीं लिया, उसमें से इतना बड़ा पीस मैंने निकाल के हटा दिया है ताकि बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। और पहले हम ये हाफ ग्लास वाटर है ये, इसको मैं इसमें डाल दूंगी गुड़ में और इसको थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे। और जब ये थोड़ा सा भीग जाएगा तो आगे का प्रोसेस करते हैं। गुड़ हमारा भीग गया है, अब ये हम कढ़ाई लेंगे एक और उसके अंदर भी सारा गुड़ डाल देंगे और हल्की आंच पे इसे मेल्ट होने के लिए रखते हैं। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम से मेल्ट कर लेंगे। पानी इसमें और नहीं ऐड करना है, सिर्फ वो हाफ ग्लास ऑफ वाटर डालना है। ये गुड़ देखिए मेरा हो गया है, बिल्कुल पिघल गया है, कोई इसमें गुठली नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं ये वाले 2 चमचे घी के डाले जो बड़ा चमचे होते हैं। और अब ये घी गर्म हो गया है, इसके अंदर मैं सारा ये डाल दूंगी गुड़। जब थोड़ी देर पकेगा इसके अंदर मैं एक इलायची भी तोड़ के डाल दूंगी। ये इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ, खोल के डाल रही है इलायची, हाल आ रहा है। तो बस हम इस स्टेज पर हम अपने चावल इसमें ऐड कर देंगे। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें अपने चावल, ये मेरे हाफ के जी चावल है और ये बहुत अच्छे से इस गुड़ में पक जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे गुड़ के साथ। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे को और इसका मीठा भी बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। ये देखिए चावल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए, कोई भी चावल अब बगैर गुड़ के नहीं है। अब रख देंगे हम इसको दम पे। ये अभी थोड़े थोड़े से पक रहे हैं हमारे चावल, तो हम इसके ऊपर डाल देंगे सारी किशमिश और जो हमने नारियल काट के रखा है ये थोड़ा नारियल हम इसमें डाल और इसे वापस से ढक देंगे। देखें जी अब हम इसको करेंगे इस टाइम पे मिक्स ताकि जितने भी नीचे के चावल है वो ऊपर हो जाए और ऊपर वाले नीचे चले जाए। लेकिन कलर देखें कितना हसीन आ रहा है, कितना खूबसूरत चावल का कलर आ रहा है, बिल्कुल गोल्डन जो आना चाहिए। अगर आप तेज आंच में गुड़ पका देंगे ना तो फिर ये इतना अच्छा कलर नहीं आएगा क्योंकि गुड़ जल जाएगा और गुड़ जो है बहुत जल्दी जलता है, इसलिए हमें गुड़ का बहुत ध्यान रखना है। दोबारा से ढक देंगे 5 मिनट के लिए। ये हो गए तैयार बिल्कुल हमारे गुड़ के चावल, बहुत अच्छे। देखें बिल्कुल पानी नहीं है, इतना गुड़ बिल्कुल नहीं है, नीचे से बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। चावल बहुत मजेदार, बहुत ही ज्यादा। ये देखिए मैंने इसको गार्निश भी कर दिया है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बने, मैक्सिमम बस आधे घंटे में मेरे चावल तैयार हो गए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस लाजिम कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।